करियर के बारे में क्या कहेंगे आप? तो क्या एड्रेस कर रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज पे, तो क्या इसको हम एक बिगिनिंग माने आपकी पॉलिटिकल करियर में? नहीं नहीं, मैं पॉलिटिकल इससे पहले भी हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। एमपी की डिमांड तो पहली बार उठी है, आप जानते होंगे। मैंने तो एमपी के लिए करी नहीं है, जब साहिल हमारे खुद एमपी के लिए करेंगे फिर आप जो भी सवाल पूछे हम काउंटर करेंगे। पॉसिबिलिटी है, और अगर नहीं नहीं हमने हमें किसी ने पूछा बचपन से पूछते हुए आ रहे हैं कि साहिल जी महाराज आप शादी करेंगे, तो हमने कहा जो विधि लिखी लद्दाख पे मेटर नाहक हुई। अगर हमारे मस्तक पर लिखा है कि हम सत्ता में आएंगे तो कोई रोक नहीं सकता, अगर नहीं लिखा है कि मैं नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा, किसी के जोर डालने से मैं नहीं आऊंगा। और हाँ, अगर हिंदुस्तान के लिए मैंने कहा है, देश की जनता के लिए, अगर मुझे सत्ता में उतरना पड़ा तो मैं उतरने के लिए आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है हिंदुस्तान के लिए। जी नहीं, इलेक्शन इंडिया में होंगे ना? हाँ जी, तो आप तो इंडिया में ही करेंगे ना जो भी कंटेस्ट करेंगे? वैसी बात है, मैं फॉरेन कंट्री थोड़ी जाता हूं, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि जैसे कुछ लोगों की बातें आई होगी कि भाई इलेक्शन लड़ने के लिए उम्र ज्यादा होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, और काइंडली इंफॉर्मेशन कि जो सचिन तेंदुलकर साहब थे जब वो पहली बार उन्हें क्रिकेट में डाउन रखा ग्राउंड में, तो उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। कुछ हमारे ऐसे नेता भी हैं जिनकी आयु 25 वर्ष की थी जब वो मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन उन्हें लड़ी, एमएलए की इलेक्शन लड़ी, तो उम्र मायने नहीं रखती है, मायने रखता है कि उसको तजुर्बा कितना है, ज्ञान कितना है। सत्य जी ऐसा है ना कि आजकल देश में एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो आपके पास एक इजी वे होता है कि आप संत बन जाएंगे, देन यू कैन गेट एन इजी एंट्री टू द पॉलिटिक्स। सो द माय क्वेश्चन वाज दैट कहीं आपका ट्रैक भी वहीं जाके तो नहीं पहुंचेगा? हमारा तो अभी तक ऐसा कुछ विचार है नहीं, अगर पहुंच भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि अगर देश की आवाम को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मुझे क्या दिक्कत होगी। और अगर आपका साथ हमारे साथ रहेगा तो साहिल, मेरा नाम था साहिल, साहिल से साहिल महाराज बनाने वाले आप लोग हैं, हम लोग नहीं है, साहिल से साहिल महाराज बनाने वाले आप लोग हैं। मीडिया मीडिया नो रूल इन दैट सर। जी मीडिया का उसमें कोई रूल नहीं है, साहिल से साहिल महाराज तक का कोई बात नहीं। योर फॉलोअर, आपका फॉलोअर्स को हो सकता है, मेरे फॉलोअर्स नहीं है, फॉलोअर्स है भगवान श्री राम जी के, भगवान श्री राम जी के फॉलोवर है, भगवान श्री राम जी के हमारे लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारी थी वो कश्मीर के हालातों को लेकर थी कि जब भी बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा प्रारंभ होती है तो कश्मीर के हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं कि बाहर से जो यात्री बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी केंद्रीय सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे ठोस कदम और इस तरह का बंदोबस्त करें ताकि कश्मीर के हालात यात्रा के दौरान ख़राब ना हों, यात्रा के अलावा भी कश्मीर के जो हालात हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति जो है वो बनी रहे। जय श्री।